नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित, मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक और भारत की सबसे महंगी जड़ी बूटी की दोस्तों खेती के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। और वो दोस्तों ऐसी खेती है, ऐसी जड़ी बूटी है जिसका औषधि कार्यों में भी उपयोग होता है, दवाइयां बनाने में भी होता है, इसके अलावा ज्योतिष के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो तांत्रिक पूजा वगैरह हो या पूजा पाठ टोने टोटके हो, उसमें भी इस औषधि का दोस्तों उपयोग किया जाता है। तकरीबन इस औषधि के बारे में ये कहा जाता है कि ये रामायण काल की दोस्तों ये औषधि है, और सबसे ज्यादा आपको ये उत्तराखंड में यानी कि पतंजलि का जो संस्थान है, यानी कि रामदेव बाबा के जो पतंजलि का जो संस्थान बना हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा दोस्तों आपको ये औषधि मिलती है। इसके अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत सारे किसानों ने इस खेती को दोस्तों करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत जबरदस्त फायदा है और लगातार 15 सालों तक दोस्तों ये खेती होती रहती है। बस एक बार आपको बुवाई करने की जरूरत है। इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके अंदर छोटी छोटी जो फलियां लगती हैं, उनकी मार्केट कीमत दोस्तों बहुत ज्यादा, तकरीबन ये समझ लीजिए आपके 4 महीने में 60 से 70 लाख रुपए कमाना इस औषधि से बहुत ही मामूली और आसान काम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिससे मेरे अधिक नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी डिटेल के बारे में बताता हूँ, कौन कौन सी बीमारियों से संबंधित दवाइयां बनाई जाती है, फिर मैं आपको इस औषधि का नाम बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस खेती को करना है, बीज लगाकर करना है या पौधे लगा करके आपको करना है, और किस तरह की भूमि में ये खेती हो सकती है। देखिए पूरे भारतवर्ष में पाई जाने वाली दोस्तों ये खेती है। इसके अलावा बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी जड़ी बूटियों में दोस्तों इसका नाम आता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सम्मोहन शक्ति है या और भी बहुत सारी ज्योतिष की जो कार्य होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा उत्तर भारत की सबसे महंगी दोस्तों ये औषधि है। अब कौन कौन सी दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बता दूं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये औषधि जो है वो इतनी महंगी क्यों है। देखिए दांत संबंधी, श्वास संबंधी यानी अस्थमा, दमा संबंधी, बवासीर, किसी भी तरह का बवासीर हो, चाहे भगंदर है, खूनी बवासीर कोई भी हो, पेशाब संबंधी, पेट संबंधी समस्या, गठान और कुलंग जैसी बीमारियों को दोस्तों जड़ से खत्म किया जाता जा सकता है इस औषधि से। इसलिए इसकी हर्बल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और अंग्रेजी यूनानी दवाइयां बड़े पैमाने पर दोस्तों इसकी बनाई जाती है। ये जड़ी बूटी दुनिया की सबसे कड़वी जड़ी बूटी होती है दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर जो है दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और ज्योतिष कार्यों में। इसकी खेती अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप देख समझ लीजिए कि 1-2 साल के अंदर आप इस खेती से 1.5-2 करोड़ रुपए आसानी से दोस्तों आप कमा लेंगे, क्योंकि बहुत ही डिमांड में है। और जितनी भी दवाइयां जो बनती हैं, चाहे वो हर्बल हो या अंग्रेजी हो, वो सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही दोस्तों बनाई जाती है। और इसकी बनावट के बारे में बताया था, फिर मैं आपको इस औषधि का नाम बताऊंगा। छोटी छोटी पत्तियां इसमें लगती है, लंबी, जैसे इमली का पेड़ आपने देखा होगा उसकी जो पत्तियां होती है उसी तरीके से लगती है। गुलाबी रंग के फूल लगते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने चमेली का फूल देखा हो। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी फलियां लगती हैं, आपने मटर देखी होगी, उससे थोड़ी छोटी इतनी यानी कि उंगली की साइज की छोटी छोटी फलियां निकलती है, उसके अंदर से बीज निकलते हैं, इनको बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस खेती का नाम है दोस्तों, यानी कि इस औषधि यानी कि इस जड़ी बूटी का नाम है दोस्तों सरपंखा जड़ी बूटी, इसको सरपंखा औषधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका पौधा लगभग 4 फीट का होता है, पौधे लगाकर दोस्तों इसकी खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि बीज इसके आसानी से आपको नहीं मिल पाएंगे। 4400 से लेकर 5000 पौधे आप प्रति एकड़ आसानी से लगा सकते हैं। लागत आएगी सिर्फ 5000 रुपए एक बार, और लगातार 15 साल से लेकर 18 साल तक आपको ये बराबर खेती देती रहेगी। 55 दिनों में ये पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, सिर्फ 50 से 60 दिनों का समय लगता है, बहुत से बहुत समय लीजिए आप 80 दिनों के अंदर, क्योंकि जमीन के ऊपर डिपेंड रहता है, भूमि की मिट्टी के ऊपर, लेकिन आप कर हर तरह की भूमि में आप कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने का निश्चित रूप से समय इसमें, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा तैयार होने में। पत्तियां, फूल और फलियां तोड़कर आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं, 40-50-60 लाख रुपए इस खेती से आसानी से दोस्तों कमाया जा सकता है महज 2 से 3 महीने के अंदर। और आप ये समझ लीजिए कि 3 महीने में ये इतनी फसल हो रही 50 से 60 लाख रुपए की, तो साल में कितनी फसल होगी और 2-3 साल में आप इस खेती से कितना पैसा कमा पाएंगे, जो आप नॉर्मली अभी खेती आप करते हैं उससे आप कितना पैसा कमा लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग आजकल मेडिकल प्लांट्स की खेती ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि महंगी बहुत है। रामदेव बाबा है, इसके अलावा डाबर है, सिप्ला, एनबीएफसी जैसी कंपनियों से अगर आप कॉन्टेक्ट कर लेते हैं तो आप ये समझिए दोस्तों आप जितना पैसा आप कमाने के बारे में सोचना चाहते हैं उससे कई गुना पैसा आप कमा सकते हैं मेडिकल प्लांट्स की खेती को करके।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताई है एक और भारत की सबसे महंगी जड़ी बूटी खेती यानी औषधि खेती जिसका नाम है सरपंखा। एक बार दोस्तों आप करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सरपंखा जड़ी बूटी से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50 लाख प्रति एकड़ कमाना 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही मामूली काम है सरपंखा जड़ी बूटी की खेती को करके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए जिससे मेरे अनेक नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच जाए। ये था दोस्तों आज का वीडियो, नमस्कार, जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।